पटना में भयंकर ठंड के बीच राजनीति में गर्माहट आ गई है। कयासों का बाजार गर्म है। राजनीतिक सड़क कही जाने वाली वीरचंद पटेल में चाय की सुस्की ले रहे लोगों का जोश भी हाई है। बीजेपी ऑफिस से लेकर जदयू कार्यालय तक कयासों का दौर जारी है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हर पहलू पर लोग विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब हमने इन लोगों से इनका विचार जाना तो सबका यही कहना था कि ये बिहार में पहली बार थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे आज चाय दुकान पे जैसे चूरा छना रहा है, बस आज शाम तक जो गर्मियां जो माहौल है, मौसम भी बहुत गर्माहट आ गया है और चूरा खा के हम लोग शाम तक या कल तक आप कुछ अच्छा बिहार का देखिएगा और बदलाव यहाँ निश्चित तौर पे होने जा रहे हैं। सुशासन की सरकार बनने जा रही है, फिर से एक बार सुशासन की सरकार। पहले नहीं थी, पहले तो देखिए रहे थे कि अब रात में निकलना भी मुश्किल लग रहा था, बाइक से चलना भी मुश्किल, चलते चलते मोबाइल छीन लेता था सब। इसके लिए अब सुशासन की सरकार की आवश्यकता पड़ गई है, जरूरी है। चाय यहाँ पिया जाए, पलटने दीजिए, जो भी फैसला होगा बिहार के हित में फैसला होगा। और ये कोई नया बात भी नहीं है कि किसी को अचरज हो या इस हर्ष हो, ठीक है ना, कि ये हमेशा होते आया है राजनीति में। और बिहार के राजनीति में तो आमतौर आप जान रहे हैं कि बिना गठबंधन आज तक किसी का सरकार यहाँ नहीं बना है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। जो आगे का अगर उनको अच्छा राजनीति में रहना है और सर्वाइव करना है तो बिना भाजपा और बिना भगवा के साथ हुए अब बिहार में जो देश का जो अभी मन बना लिया है नहीं मुमकिन है और नहीं है, इसलिए आना ही आना है उनको और वो कहीं नहीं जा सकते। इस बार सर जरूर बदलेगा। कहाँ जाएंगे नीतीश जी तो अभी मुख्यमंत्री जी को हम नहीं कह सकते हैं अभी कहाँ जाएंगे, बाकी ऐसा हो सकता होगा, ऐसा आए समय आएगा तो वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे जहाँ पर पहले थे।